हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे ऑटोकैड के रिबन में पैनल्स में कुछ टूल्स करें। एनोटेशन हम पैनल देखेंगे, लेयर पैनल को हम देखेंगे और प्रॉपर्टीज पैनल को हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एनोटेशन पैनल की। सबसे पहले ऑप्शन आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में दो टेक्स्ट हमारे पास, मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट। सबसे पहले हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को देखते हैं। तो सिंपली हमको सेलेक्ट करना है मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड ड्रैग करना है क्लिक करके। जो भी आपको टाइप करना है सिंपली आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल टेक्स्ट की। तो सिंगल टेक्स्ट हमने लिया एंड सीधे ट्रैक करा एंड हमने लिखना शुरू। सिंगल टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। मैं एक बार के लिए इसको डिलीट कर रहा हूं एंड मैंने लिया सिंगल टेक्स्ट। अभी मेरा ऑर्थो ऑफ था, इस वजह से जो टेक्स्ट आया था मेरा टेढ़ा आया था। तो मैं ऑर्थो ऑन करूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो होगा वो सीधा आएगा। एंड सिंपली मैंने यहाँ कुछ भी लिखना शुरू किया एंड मैंने नीचे लिखना चाहता हूँ कुछ भी। एंड अभी टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। अब डिफरेंस एक बार के लिए मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं यहां तो थोड़ा साइज टेक्स्ट का बड़ा कर रहा हूं और बड़ा कर लेते हैं। अगर आप, ये हमारा मल्टी लाइन से लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये पूरा अगर हम इसके अंदर कितना भी टेक्स्ट हम ऐड करेंगे तो पूरा सिंगल रहेगा। मतलब कि एक ही टेक्स्ट के अंदर ऐड होगा, उसमें हम एक ही बार में एडिट कर सकते हैं। वहीं अगर हम सिंगल टेक्स्ट की बात करें, अगर हम एक लाइन के अंदर टेक्स्ट लेंगे और उसको चाहेंगे कि वो सेकंड लाइन में आए तो नहीं आएगा, वो एक अलग लेयर में बनेगा या अलग एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा एक अलग बना, ये सिंगल ऑब्जेक्ट हमारा अलग बना। जबकि हम मल्टी लाइन की टेक्स्ट की बात करें तो उसमें जितना भी हम टेक्स्ट आगे ऊपर नीचे ऐड करेंगे वो पूरा एक ही ब्लॉक में रहेगा। तो ये था सिर्फ हमारा मल्टी लाइन और सिंगल टेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? कोई भी चीज को मेजर करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं। सिंपली इस तरह से मैंने लाइन बनाई 20 फिट की, मैंने एंटर किया एंड सिंपली मेरे को लेना है डायमेंशन। एंड आपको जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपको मेजर करना है, आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है एंड लास्ट सेकंड पॉइंट। एंड ऊपर रखना चाहते हैं आप या नीचे, जिस साइड आप रख रहे हैं उस साइड आप क्लिक कर दें। तो उसको ये, इसने डायमेंशन का यही यूज है कि हमारी किसी भी लेंथ को डायमेंशन करना, उसकी लेंथ को दिखाना। आप सिंपली डायमेंशन लेके एंटर प्रेस करके, इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर। लीनियर लीनियर सेम डायमेंशन की तरह, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक एंड जहां आपको रखना है आप वहां क्लिक करें, आपकी डायमेंशन आ जाएगी। या आप सिंपली कर सकते हैं लीनियर कमांड आप लें, एंटर प्रेस करें एंड सिंपली लाइन को सिलेक्ट करें जिस लाइन को आपको डायमेंशन करना है एंड सिंपली आप एंटर। इस टाइप से भी आप डायमेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलाइन। अलाइन बेसिकली क्या है? सिंपली मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक लाइन बनाई एंड मुझको उसको डायमेंशन करना है। तो मैं सिंपली अलाइन कमांड लूंगा एंड फर्स्ट क्लिक सेम सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक। तो वो आपकी इस तरह से भी डायमेंशन, सेम अलाइन कमांड लेके आप एंटर प्रेस करके लाइन को सिलेक्ट करके आप इस टाइप से भी डायमेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर। एंगुलर बेसिकली क्या करता है? किसी लाइन का एक एंगल दिखाता है कि दो लाइनों के बीच कितना एंगल है। मैंने सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट किया, सेकंड इसको, तो इन दोनों के बीच जितने भी डिग्री का एंगल होगा वो हमको वो दिखाएगा। मैंने फिर से लिया, मुझे इन दोनों का देखना, तो मैं सिंपली फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक। इस तरह से हम एंगल देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बेसिकली क्या है? मैंने एक सिंपली कोई भी आर्क बनाई, ये मैंने आर्क बनाई, मैं चाहता हूं मुझे इसकी लेंथ पता लगे, तो मैं सिंपली आर्क लेंथ पर जाऊंगा एंड सिंपली क्लिक करके एंड ट्रैक। तो ये मेरे को लेंथ की, आर्क की लेंथ बता देगा।
इसके बाद हम बात करते हैं रेडियस। वन मिनट, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल रेडियस की। तो सर्कल रेडियस जैसे क्या, मैंने एक सर्कल बनाया जिसका मैंने रेडियस, अगर यहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो वो मेरा रेडियस होगा। अगर मेरे को डायमीटर में चाहिए तो मेरे को यहां से जाके डायमीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन मैं जो वैल्यू दूंगा वो डायमीटर के अकॉर्डिंग आएगी। मैंने कहा 20 फिट, एंटर। तो ये जो मेरा सर्कल बना, ये 20 फिट रेडियस का मेरा सर्कल ड्रॉ हुआ। तो अब जब मैं इसका रेडियस मेजर करूंगा तो मेरे को दिखाएगा कि ये 20 फिट का है, क्लियर। अगर वहीं मैं बात करूं सर्कल डायमीटर की तो ये मेरे को सर्कल का डाया दिखाएगा। तो डाया इसका 40, क्योंकि डाया रेडियस का 2 गुना होता है, क्लियर। अगर मैं यहां सर्कल पे जाके एंड मैं डाया बना रहा हूं, डायमीटर सर्कल बना रहा हूं 10 फिट का, तो अगर मैं अब इसको मेजर करूंगा तो सिंपली ये मेरे को दिखाएगा 10 फिट। ये हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं लीडर्स डायमेंशंस में। इतना ही था, ये हमारे को ज्यादा काम के नहीं, तो इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लीडर एट लीडर, लीडर क्या है बेसिकली। मैंने लीडर लिया, सबसे पहले हम लीडर की बात करते हैं। सिंपली आपने क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है। एंड लीडर बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज को संदेश करेंगे। जैसे कि अगर यहां पे मैं एक बॉक्स बनाता हूं, मैंने कि यहां पे सिंपल सा एक बैट मैंने बनाया एंड मेरे को दिखाना है कि ये बैट है, तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा। या तो मैं सिंपली टाइप कर सकता हूं, लिख सकता हूं टेक्स्ट के थ्रू कि हाँ, मल्टी लाइन टेक्स्ट लेके मैं सिंपली टेक्स्ट लिख सकता हूं बैट, इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। या आप सिंपली जा सकते हैं लीडर पर एंड क्लिक करें आप कहीं भी एंड सिंपली सेकंड क्लिक, तो आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन देता है, आप यहां पर लिख सकते हैं बैट। तो इससे ये पता लगता है कि ये चीज हमारी बैट है। तो आप इस टाइप से भी उस पर्टिकुलर चीज को मार्क कर सकते हैं, या आप उसको क्या, आप उसको ड्रैग करके भी इधर उधर कर सकते हैं। पर ये हो गया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं फिर से लीडर ले रहा हूं, मैंने यहां से लीडर लिया, मैंने इसको इसको बताया कि ये साइड टेबल है, तो आप साइड टेबल बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एड लीडर। एड लीडर बेसिक क्या कर रहे हैं, जो आपका लीडर है जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक लीडर और एड कर देगा। मैं चाहता हूं ये बैट हो जाए तो ये बैट पे भी मैंने लगा दिया। मैं चाहता हूं और एड हो जाए, मैं सिंपली एड लीडर क्लिक करके कहीं भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पर्टिकुलर 3 बैट्स हैं, मैं चाहता हूं कि सारे पर्टिकुलर एक बार में दिखा दूं, तो मैं यहां पे भी इसको लगा दिया, मैंने यहां लगाया, तो मैं चाहता हूं कि इसको भी ऐड करके मैं बैड में दिखाऊं, तो मैं सिंपली ऐड लीडर करके एंड सिंपली मैं इस साइड क्लिक करके, तो इससे पता लगता है कि सारे जितने भी होंगे हमारे बैड होंगे। यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, डबल क्लिक करके आप एडिट मोड में आ सकते हैं एंड मैंने सिंपली कर दिया बैड। इसके बाद हम बात करते हैं रिमूव लीडर। अगर मेरे को कोई भी इस लीडर में से लीडर रिमूव करना है तो मैं कैसे करूंगा। सिंपली आपको लीडर को सिलेक्ट करना है एंड जिस लीडर को आपको रिमूव करना है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो लीडर रिमूव हो जाएगा। दोबारा करते हैं, आपने लिया रिमूव लीडर, जो लीडर है आपके पास अवेलेबल है हमको उसको सिलेक्ट करना है एंड सेकंड जिस लीडर को हमें रिमूव करना है आपको उसको सिलेक्ट करना है एंड एंटर प्रेस करना है। जैसे वो रिमूव होने वाला को आपको दिखेगा यहां पर ब्लू लाइन होगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये हमारा रिमूव हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल। टेबल बेसिकली क्या है, मैंने टेबल कमांड लिया तो हमारे पास इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें कुछ नहीं, स्टैंडर्ड यहां से स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल एंड एक फ्रॉम ए डाटा लिंक। अगर आपकी ड्राइव में कोई डाटा पड़ा है, एक्सेल की फाइल पड़ी है, तो यहां से सिंपली आप डेटा लिंक से जाके एंड अपनी कोई भी एक ड्राइव से आप सीट ला सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस है तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी हम सिंपल सा स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल पर बात करते हैं। आपको स्पेसिफाई इंसर्ट पॉइंट पे कॉलम दिखे हमको 10 एंड कॉलम विड्थ यहां पे दिख रही है, मैंने कहा 6 फिट हो जाए, 6 फिट मैंने करा एंड डेटा रो मैंने कहा 2 हो जाए एंड रो हाइट 1 रहने देते एंड सिंपली मैंने ओके किया। तो मेरे पास एक टेबल एड हो जाती है एंड सिंपली अब जब मैं इस टेबल में लिखना चाहता हूं कुछ भी,
तो मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, मेरे को टेक्स्ट करना है, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा एंटर प्रेस करेंगे आप सेकंड ब्लॉक में आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे आप नीचे ब्लॉक में आ जाएंगे, आप किसी भी ब्लॉक में आके आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस टाइप से। आपको जितनी रो एंड कॉलम्स चाहिए आप उतने ऐड कर सकते हैं टेबल के थ्रू। टेबल हमने फिर से लिया, मैं चाहता हूँ 10 की जगह 5 आ जाए, तो 5 आ गए, 1 2 3 4 5 मैंने टेबल ली। मैं चाहता हूँ रो ज्यादा हो जाए, मेरे पास 10 हो जाए, तो मेरे पास रो 10 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10। तो इस टाइप से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एनोटेशन हमारा कंप्लीट हुआ, एनोटेशन में जो भी हमारे एडवांस में ऑप्शन है वो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं लेयर पैनल की, लेयर पैनल क्या है। लेयर पैनल में सबसे पहला ऑप्शन आता है लेयर प्रॉपर्टीज, जो कि आपको यहां पर भी दिख रहा है, प्रॉपर्टीज दोनों में सेम है। लेयर प्रॉपर्टीज आप ओपन करें तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू लेयर, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी लेयर नहीं बना सकते। यहाँ पर लेयर आई, ऐड हुई, मैं क्लिक करते जाऊंगा तो लेयर ऐड होती रहेंगी। मैं इस लेयर का नाम दे रहा हूं वॉल, मैंने कहा मेरे को ये वॉल बना दी है, थोड़ा सा इसके बाद आपको यहां पे मैंने को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ठीक है, ये लेयर है, इन चीजों का भी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आता है लेयर का कलर, हम कलर क्या देना चाह रहे हैं उस लेयर का, तो मैंने कहा सिंपली कहा रेड कलर। लाइन टाइप क्या होना चाहिए, अभी यहां पे डिफॉल्ट है, हमने इसको थोड़ा सा डिफॉल्ट है, इस पर हमने क्लिक करा तो हमको यहां पे लाइन के कुछ वेट्स मिलते हैं कि हम लाइन की वेट कितना चाहते हैं। 0.0 डिफॉल्ट चल रहा है, मैं चाहता हूं 0.30 mm कि मेरा लाइन वेट बने। ओके, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तो इस टाइप से। और बाकी ये ऑप्शंस मैं अभी बताता हूं आपको। हमने एक लेयर बनाई वॉल की, हमने सिंपली यहां से वॉल जाके सिलेक्ट कर ली, यहां से आप वॉल सिलेक्ट कर सकते हैं या आपके पास कोई और लेयर, तो आप लेयर प्रॉपर्टीज में जाकर इस वॉल पर अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे आप, तो ये वॉल लेयर हमारी यहां पर एक्टिव हो जाएगी। अगर लेयर 3 एक्टिव करता हूं तो यहां पर देखेंगे आप मेरी लेयर 3 एक्टिव हो गई है। मैंने कहा वॉल मेरी एक्टिव हो जाए तो मेरी वॉल एक्टिव हो गई। ये आप सिंपली लेयर सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो आपकी वो लेयर यहां पे एक्टिव हो जाएगी। आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई लेयर डिलीट करना, तो आप सिंपली लेयर को सिलेक्ट करें एंड डिलीट लेयर पर आप क्लिक करें तो वो लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो हमने लेयर प्रॉपर्टीज में जाके हमने अपनी वो लेयर को एक्टिव किया एंड सिंपली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 10 फिट की। अभी सिंपली अगर हम नोटिस करें जो लाइन आ रही है नॉर्मल सी लाइन आ रही है, जबकि हम अगर अपनी लेयर प्रॉपर्टीज में जाएं तो जो मैंने वॉल की लाइन वेट दिया था 0.30 mm दिया था, जो कि हमको शो नहीं हो रहा। तो वो शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे से टॉगल बटन्स में हमारा सो हाइट लाइन विड्थ ऑफ है। हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आपको लाइन में एक थिक दिखाई देगी, आप इसको बंद कर देंगे तो ये नॉर्मल अपने डिफॉल्ट पे आ जाएगी। तो हम इसको ऑन करते हैं, अगर ये आपके ऑप्शन यहां से नहीं आ रहा हो तो आप सिंपली इधर जा सकते हैं साइड में कस्टमाइजेशन में एंड सिंपली आप यहां से लाइन वेट को ऑन कर सकते हैं। ये रहा हमारा लाइन वेट। अब लेयर्स के हम कुछ एक एक करके ऑप्शन देते हैं, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स और बना लेता हूं एंड कुछ लेयर्स में और ऐड कर लेता हूं। मैंने यहां पे विंडो की लेयर एक हमने ऐड कर ली, सिंपली मैंने इसका कलर यहां से दिया, कोई भी कलर आप दे दें, एंड मैं लाइन वेट इसका मैंने कम कर दिया। मैंने एक लेयर और बनाई, मैंने हैच की लेयर बना ली एंड सिंपली मैंने इसका कलर जो आपको पसंद आए आप वो कलर रख सकते हैं एंड लाइन वेट आप जो रखना चाहें आप अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 3 लेयर बनाई, ये मेरा वॉल में है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये भी मेरा वॉल लेयर में है एंड मैं एक यहां से अब अपनी विंडो लेयर को ऑन करता हूं
एक्टिव कर, और मैंने सिंपली एक रेक्टेंगल अपना विंडो लेयर में मैंने बना दिया इस टाइप से। मैंने सिंपली इसी की मैं कॉपी करी और मैं चाहता हूं ये मेरा हैच लेयर में चाहता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपली इसको यहां से मैं हैच लेयर में सिलेक्ट करके डाल दूंगा। तो ये मेरा हैच लेयर में आ गया। वन मिनट, ओके। तो इस टाइप से भी आप जैसे वॉल है, वॉल को मैं चाहता हूं विंडो लेयर में आ जाए, तो मैं सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को एंड सिंपली इसको यहां से विंडो में डाल देता हूं। मेरे को विंडो में नहीं चाहिए, हैच में चाहिए, तो मैं हैच में डाल सकता हूं। मेरे को हैच में नहीं, वॉल में वापस चाहिए, तो मैं वॉल में वापस से डाल सकता हूं। अब यहां पे देखेंगे आप नीचे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है ऑफ लेयर ऑफ। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड किसी पर्टिकुलर लेयर को हाइड करना चाहता हूं तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगा, तो आपके सीन में जितनी भी लेयर, जितने भी ऑब्जेक्ट उस लेयर में होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। मैं चाहता हूं सारे वापस आ जाएं, तो आपको सिंपली एक ऑप्शन नीचे मिल रहा है टर्न ऑल लेयर ऑन। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सारे ऑब्जेक्ट वापस से आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेट। आइसोलेट बेसिकली क्या है, मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट मेरा आइसोलेट हो जाए, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मेरा यहीं रहेगा बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट को चाह रहा हूं आइसोलेट हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं एंटर। तो जितने मेरे इस ऑब्जेक्ट लेयर में ऑब्जेक्ट होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे और बाकी सारा हाइड हो जाएगा। मैं चाहता हूं वापस आ जाए सारे अनआइसोलेट हो जाए, तो मैं सिंपली इसके नीचे वाले अनआइसोलेट पे क्लिक करूंगा, तो जितने ऑब्जेक्ट मेरे थे आइसोलेट अनआइसोलेट हुए थे वो सारे वापस आ जाएंगे। इसके हम बात करते हैं फ्रीज। फ्रीज पे मैंने क्लिक किया एंड मैंने सिलेक्ट किया इस लेयर पर, तो करेगा क्या, उसको फ्रीज कर देगा। फ्रीज और हाइट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस, जब हम डायमेंशंस में करते हैं तो अगर हम इनको हाइड करते हैं तो इनके कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। जैसे मैं इनको हाइड करूं तो इनके कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, जिससे कि हमें ड्राइंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। मैं अनफ्रीज करता हूं सब कुछ, तो वापस से आ गया मेरा। इसके बाद बात करते हैं हम लॉक। सिंपली लेयर को लॉक करना, मैंने लॉक किया यहां से, मैं इसलिए चाहता हूं लेयर को लॉक कर दूं, तो मैंने सिंपली क्लिक किया तो ये मेरा लेयर लॉक हो गया। मैं चाहता हूं ये डिलीट हो जाता है, डिलीट नहीं हो सकता। मैं इसको मूव करना चाहूंगा तो मूव नहीं होगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और बाकी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो सिंपली हो रहा है, जबकि ये मेरा ऑब्जेक्ट लॉक है, तो इस वजह से मैं ना इसको मूव कर सकता, कोई मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता। मेरे को चाहिए कि मैं इसको एडिट करना चाहूं, तो मैं इसको यहां से सिंपली अनलॉक पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकता हूं। मैं इसको जहां चाहूं मूव कर सकता हूं, डिलीट करना चाहूं डिलीट कर सकता हूं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास मैच लेयर। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये मैं इससे मैच करा दूं, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इस लेयर में चला जाए, तो मैं सिंपली यहां से मैच लेयर ले सकता हूं एंड सिंपली मैंने डिफाइन किया कि मेरे को इससे मैच कराना है इसको, तो मैंने सेलेक्ट किया एंटर प्रेस करा। सॉरी वन मिनट, आप सिंपली टाइप कर सकते हैं एम ए, तो मैच टूल आता है आपका एंड सिंपली आपने सेलेक्ट किया तो आपको दिखा होगा ऊपर एक झाड़ू टाइप का बन गया और सिंपली आपने मैच किया। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो उससे मैच होता रहेगा। मैंने मैच किया तो सारा मैच हो गया मेरा। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं मैच, एम ए शॉर्टकट होता है, तो एम ए से आपने लिखा एंड सिंपली मुझे चाहता वॉल में, तो मैंने सिंपली सिलेक्ट करा और मैं चाहता हूं इसको इससे मैच करा, तो सिंपली इससे मैच हो गया। एंड सेम ऑप्शन यही हमारे लेयर ऑफ के हमको यहां भी मिलते हैं। मैं चाहता हूं वॉल मेरी फ्रीज हो जाए, तो मैं सिंपली यहां पे क्लिक करूंगा, फ्रीज आपको दिख रहा है ओपन, तो मेरी वॉल फ्रीज हो जाएगी। ओके, मेरा विंडो एक्टिव है, तो मेरी वॉल फ्रीज हो गई। मैंने अनफ्रीज किया तो मेरी वॉल लेयर अनफ्रीज हो गई। मैं चाहता हूं हाइड हो जाए, तो यहां से मैं हाइड कर सकता हूं। ये आपको बल्ब दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर हाइड हो जाएगी। आप चाहते कलर चेंज करना चाहें कोई भी लेयर का, तो आप सिंपली यहां से जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहते वेट बढ़ा दें किसी लाइन का, तो आप सिंपली जाके वेट मैक्सिमम 2.11 mm तक बढ़ा सकते हैं, तो आपकी जो ये लेयर एक्टिव होगी, मैंने एक्टिव की, तो मैं सिंपली लाइन बनाऊंगा तो उतनी थिक बनेगी। क्लियर? तो आई होप आपको लेयर पैनल समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि लेयर से ही
मैच करती हैं। सिंपली मैंने एक लाइन बनाई, ये लेयर फोर में है मेरी, एंड मैंने सिंपली यहां से जाके वॉल को एक्टिव किया, एंड मैंने सिंपली एक लाइन वॉल में बनाई एंड एक इस टाइप से बनाई। प्रॉपर्टीज, मैंने एक लाइन सेलेक्ट की बाय लेयर, अभी जो हमने लेयर का कलर दिया होगा वो यहाँ पे अभी बाय लेयर है। मैं चाहता हूँ ये डिफरेंस कलर हो जाए कुछ भी, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, तो यहाँ से कोई भी कलर मैं सिलेक्ट करूंगा तो उस कलर में आप दे सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया, मैंने डिफरेंस करके यहाँ से कोई भी कलर दिया, तो ये जो मेरी लेयर है, लाइन बनी, ये मेरी वॉल में तो है लेकिन बाय लेयर में इसका कलर नहीं है, कलर मैंने इसका दिया है ये वाला। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ उसका कोई थिकनेस बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, तो मैं सिंपली यहां से जाकर भी इसका वेट बढ़ा सकता हूं। जबकि अगर हम बात करें अपनी लेयर प्रॉपर्टीज में, तो जो हमने लाइन वेट दिया है वो 0.30 mm ही है। मैंने सिंपली आप प्रॉपर्टीज में जाकर आप इसका यहां से भी वेट बढ़ा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं इसका एक बार के लिए वेट कम करता हूं, मैंने 0.05 रखा, एंड सिंपली इसको सिलेक्ट करके मैं बाय लेयर में यहां से नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है अदर, आप इस पे जाएं, आप सिंपली लाइन टॉप मैनेजर में आए और आपने लोड किया, तो आपको कुछ लाइन टाइप्स मिल जाते हैं, आपको इस काफी सारे लाइन टाइप्स मिल जाएंगे। मैं चाहता हूं इस टाइप से मेरी लाइन बने, तो मैंने सिंपली इसको सेंटर वाले को क्लिक किया, ओके करा, एंड मैंने ओके किया, एंड मैंने फिर से लाइन सेलेक्ट की, एंड वापस मैं इसमें आया तो मेरे को नीचे दिखेगा कि यहाँ ड्रॉप डाउन में मेरे पास सेंटर अवेलेबल हो गया। मैंने सेंटर लिया तो मेरी लाइन सेंटर में डॉट 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 टाइप में बन गई। अब लाइन को सिंपली इस तरह से पकड़ के आगे तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो में इतना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक हम सिंपल फ्लोर प्लान को किस तरह से बना सकते हैं।